ये दोस्तों ज़ीशान अली टूरिस्ट मेंटोर चैनल की तरफों आज एक नवे टॉपिक दे नाल नवा टॉपिक थोड़ा तो खुशखबरी ज़्यादा यूके की तरफों 2024 दे विच इन्होंने वर्क परमिट नॉन ईयू नैशनल नूं देण दा ऐलान किया वा। ये किन्ने टाइप के वर्क परमिट आ, केड़ी केड़ी कंपनी ये वर्क परमिट अलाउ कर रही है, इन्हां दी रिक्वायरमेंट की आ, इन्हां दे डाकूमेंट्स की चाहिए आ, फीस किन्नी आ, इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट जिहदे विच तुसीं आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करन तो पहला मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो नूं पूरा देखना, अगर पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक शेयर तो कमेंट करना, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना। अगर कोई गल रह जाए मैं नहीं दस सकिया तुसीं मेरी ईमेल दे विच जाके मैनू तुसीं सवाल करो, मैं ब्रीफली दसांगा, नहीं तो कमेंट दे विच पुछोगे मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जवाब देने दी। तो चलो जी, अज का टॉपिक शुरू करते हैं। अज का टॉपिक हैगा कि यूके ने 3 टाइप के परमिट अलाउ किए हैं नॉन ईयू नैशनल नूं, पाकिस्तान, इंडिया या जिथे जिथे भी नॉन ईयू रहिंदे आ जिहड़े पंजाबी समझदे या बोलते आ उन्हां वास्ते। अच्छा, ये 3 टाइप के आ परमिट जी। एक तो हैगा टायर 2, जिन्हों टीयर 2 भी कहिंदे आ, टीयर 2 वीज़ा ये परमिट हैगा वा। पहला आपां इहदे बारे गल कर लैंदे आ, ये किहड़ियां कंपनियां कर रही, 10 कंपनियां वा, तुहानूं मैं दसां दे नाम दस दिंदा वा। जिहड़ी पहली कंपनी है ना वो हैगी है डेलॉयट अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। इन्हां दे ऑफिसेज आ ऑल ओवर द यूरोप, ये अपनी एक्सपर्टीज दिंदे आ। अच्छा, दूसरी भी ये नाल दी अकाउंटिंग ही है, वो हैगी है PwC अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ये दे रही है। टेस्ला वा, जिस तरह तुसीं जानते टेस्ला एक अमेरिकन कंपनी है लेकिन वो यूके दे विच भी इन्हां दे फ्रेंचाइज आ। ऊबर आ, रॉयल रॉयज आ, एमाजॉन यूके आ, वोडाफोन आ, ब्रिटिश एयरवेज आ, HSBC आ, ते AstraZeneca। AstraZeneca एक याद है बूस्टर सेगा कोविड के दिनों में लगता। चलो एनीवे, ये 10 कंपनियां जिहड़ियां वा ना ये थानू परमिट अलाउ कर रही हैं। ये हाईली स्पैसी जिहड़े है ना क्वालिफाइड पीपल या हाईली स्किल्ड पीपल आ उन्हां नूं अलाउ कर दियां वा। उन्होंने मैं थोड़ा स्पॉटिंग डाकूमेंट्स दस दिना, इन्हों के जो नॉर्मल डाकूमेंटेशन है ना वो वेरी सिमिलर है तिना टाइप के वीज़ा वास्ते, लेकिन इस 10 कंपनिया जिहड़ियां अलाउ कर रही इन्होंने स्पॉटिंग डाकूमेंट्स कि चाहिए आ, थानू चाहिए वा जी थोड़ी एजुकेशन दे सर्टिफिकेट्स आ, तो असं अगर जॉब करते पे हो तो वास्ते थानू जॉब एक्सपीरियंस लैटर चाहिए वा, थोड़े इंप्लायर वालों जिते पाकिस्तान हो या इंडिया के उन्होंने को चाहिए कि यह बंदा बहुत स्किल्ड आ, यदि आ क्वालिफिकेशन आदा एक्सपीरियंस इन्ना वा, इन्नी देर तो जॉब कर रहा, यह लॉयल आ कंपनी के नाल, ट्रस्टवर्दी आ, हार्ड वर्किंग आ, ETC। ये वीज़ा लगवाने बहुत मदद करेगा। अच्छा, दूसरी आ गई जनरल इंप्लॉयमेंट परमिट, वो मैं थोड़ा 3-4 मैं थोड़ा दस दिना कंपनियां जिहड़ियां अलाउ कर रही। एक हैगी माइक्रोसॉफ्ट, शैल, टेस्को, LD, बार्कले, ये कर रही है, यह अलाउ कर रही है। अच्छा, तीसरी टाइप हैगी मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं थोड़ा दसन लगा वह नुकसान की हो सकता वा, वो अगर थोन कोई एजेंट वगैरह पाकिस्तान चो या इंडिया चो कहता कि यूके दे विच उदे को बंदे आ या उदा अपना टेकवे आ, रेस्टोरेंट आ, या कोई भी उदा बिजनेस आ, कंपनी रजिस्टर्ड आ, तो वह थानू परमिट कढ़ा दूगा। उदी पहली चीज़ तो यह कि तिना परमिट वास्ते थानू इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहिए पैना वा, आइलट्स दे विच मिनीम 4.5 बैंड होने चाहिए आ, ते अगर चलो तुसी कर भी लैने 30,000 pounds मंगते आ जड़ा परमिट कढ़वा के देने लई, जड़ा मैंने थोनों रिकमेंड कर रहा 30,000 pounds तो एक माह दे विच 1,000 pounds उहदा टैक्स जाता वा, वो 3 साल तुसी इस तरह ही जिस तरह जेल जा तकरीबन 1 crore rupees पाकिस्तानी बनता वा, तो महीने बाद 1,000 pounds देना तुसी, जड़ा टू मच आ, खुशी खुशी ना तुसी ओके कर लोगे लेकिन इत्थे आके तुसी परेशान होवोगे। अच्छा,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਆ ਫੀਸ ਵੀ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪਰ ਪਰਸਨ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ 3 ਈਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਸ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ £719 ਪਰ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਈਅਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ £1,420 ਪਰ ਈਅਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ID ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਜੋਬ ਟਾਈਟਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਅਰਲੀ ਪੇ ਤੁਹਾਡੀ £38,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋਬ ਆਫਰ ਕਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਜੋਬ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਨੇਮ ਆਫ ਯੋਰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੇਮ ਆਫ ਯੋਰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੀਸਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਮਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ੈ ਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਣ 30% ਚਾਂਸ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਆ 4.5 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਲਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ gov.uk ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ gov.uk ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਹ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਬਜਾਏ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹੋ £30,000 ਦਿਓ ਮੰਥਲੀ £1,000 ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ 1 ਲਾਈਕ ਬਣਦਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਗੁੱਡ ਲੱਕ